हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने इंडियन इंडेक्सेस को देखने से पहले मैं आपको फॉरेन इंडेक्सेस के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है? आप देखेंगे तो हमारा जो एसजेक्स निफ्टी है वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव ही क्लोज दी है उसने कल, ठीक है, अराउंड 96 पॉइंट्स की। हमारा डो जोन्स भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, हमारी यूके मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो निफ्टी के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है वो कहीं ना कहीं ये है कि हमें कल मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। आप देखेंगे तो एक्सजेक्स निफ्टी में भी एक काइंड ऑफ ये इसके लिए सपोर्ट लेवल्स कहीं ना कहीं फाइंड हो रहे थे, जिसका ब्रेक देने के बाद एक्सजेक्स निफ्टी ने ये हमें मूव दिया। अब ये दोस्तों ये इसके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर ये थोड़ी सी मार्केट करेक्शन वे में आती है तो कहीं ना कहीं से यहीं से ये एक रिवर्सल स्पॉट हो सकता है, ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हमारे इंडेक्सेस पे। तो निफ्टी के दोस्तों जैसे मैं आपसे बात करूं तो निफ्टी में आप एक सेकेंड, मैं छोटा टाइम फ्रेम पा के पसंद करूंगा आपको समझाना, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये भी ना कहीं एक काइंड ऑफ एक्सपेंडिंग चैनल बना रहा है, ठीक है। अगर आपने एक ऐसे सिंपल एक स्मॉल छोटी सी ट्रेंड लाइन बना के रख दी होती तो आप यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए होते, है ना? देख रहे हैं आप फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ इसमें आप चेक नोटिस कर पा रहे होंगे कि एक काइंड ऑफ थोड़ा लाइन ट्रेंड लाइन टेढ़ी बन रही है हमारी। इसको थोड़ा सा कहते हैं कि बायर्स एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से हमारी फॉरेन मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुई हैं तो मार्केट भी हमारी कहीं ना कहीं कल इतनी हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि एक गैप अप ओपनिंग देगी हमें, ठीक है। अब दोस्तों आप इसमें एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे कि नीचे से ना ये ट्रेंड लाइन भी एक बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है, देख पा रहे होंगे आप? मैं करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, जी ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो रही है। अगर दोस्तों कल आपको इसमें हमारी कल की रणनीति ये होनी चाहिए कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हमें एक रिट्रेसमेंट मिलती है और रिट्रेसमेंट के बाद एक थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल दिखता है, हमें रिवर्सल स्पॉट होता है, तो हम कहीं ना कहीं एक छोटा सा अपना स्टॉप लॉस रख के जस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख के एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। बट दोस्तों निफ्टी के अंदर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। इस समय मैं आपको कोई 1:2 का टारगेट, 1:2.5 का ऐसा कोई टारगेट नहीं दूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको एक रिवर्सल स्पॉट आउट होता है तो आप एक छोटा सा स्कैल्प इसमें कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स पे जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पहले छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। मार्केट ने आप देखेंगे एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन बायर्स फंसे और फंसने के बाद मार्केट देखे वापस से ऊपर की तरफ जाके उन्होंने स्टॉप लॉस हिट करा, ठीक है, और एक साइडवेज रेंज में ही बैंक निफ्टी भी क्लोज हो गया, ठीक है। बट आप इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ ये आपकी पहली कैंडल थी, ओपनिंग कैंडल थी ये 15 मिनट्स की, ठीक है, जिसने ब्रेक दिया था। उसके बाद दोस्तों एक भी कैंडल इस रेंज में आने से पहले रेडी नहीं बनी, ठीक है, तो हमारी कोई एंट्री लेवल बनी नहीं पाई इसमें। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों, इसलिए इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको कहीं पे यहाँ पे ब्रेक ही नहीं दिखेगा, है ना? तो दोस्तों इसकी वजह से आप एक फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि मार्केट अराउंड 3 दिन से 24 25, आपका 26 27, 27 तारीख तक, 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सिर्फ इस रेंज में ही फंस रहा है। तो लेवल्स तो दोस्तों हमें चेंज करने के लिए बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बैंक निफ्टी 35,786 के अराउंड के लेवल को ब्रेक करता है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और जो अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे आप वो रखेंगे 36,296 के अराउंड का, ठीक है दोस्तों। हो सकता है कि आपको ये लेवल एक दिन में ना मिले, दूसरे लेवल में मिले, दूसरे दिन में सॉरी, ठीक है। तो आप उस दिन दो दिन के लिए भी अपने कॉल को ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से बाइंग करके चल सकते हो। बट दोस्तों बैंक निफ्टी को हम जानते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत अगर मूव देता है तो हमें बहुत बड़े बड़े मूव दे देता है इजिली। आप देखेंगे भी अराउंड अभी इसने कुछ दिन पहले यहाँ से हमें एक शार्प फॉल दी थी, देखिए एग्जैक्ट यहाँ से इसने हमारे 2 टारगेट अचीव करे थे, देख रहे हैं आप? तो ऐसे ही दोस्तों एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर इसको ब्रेक करेगा ये तो 36,296 के लेवल पे तो हम इसको इजिली आता हुआ देख सकते हैं। बट अगर दोस्तों ये 35,492 के लेवल को ब्रेक करता है ना नीचे की तरफ और सस्टेन कर जाता है, तो आपको जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 35,143 के अराउंड का,
और जो सेकंड टारगेट है दोस्तों वो आप लेके चल सकते हैं 34,780 के अराउंड के लेवल का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों ये लेवल्स हैं, आप इनको अपनी स्क्रीन पर कॉपी कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। सेंचुरी टेक्सटाइल्स आप देखेंगे दोस्तों तो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन का काम कर रही थी ये ट्रेंड लाइन, जिसका ये ब्रेक दे चुकी है। ठीक है, अब ये स्टॉक इसका ब्रेक दे चुका है और ये एक अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पे, एक जोन पे आके खड़ा हो चुका है आप देखेंगे। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों अगर मार्केट में कल हमें थोड़ी सी नेगेटिवनेस दिखती है, ठीक है, और ये स्टॉक इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है ना, तो दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा काइंड ऑफ नेगेटिवनेस आती हुई देख सकते हैं और एक अच्छा खासा फर्स्ट टारगेट 1:1.5 का लेके चलेंगे हम, और जो सेकंड टारगेट है दोस्तों वो 1:2 का लेके हम इसमें से इजीली एग्जिट हो सकते हैं। अब दोस्तों मेरे से बहुत लोग ये कहते हैं, आपने मेरे रिसेंटली कमेंट्स में भी पढ़ा होगा कि लोग कहते हैं कि टारगेट यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया करिए, टारगेट स्टॉप लॉस। अब दोस्तों मैं आपको दूसरे ट्रेडर्स की तरह मैं काम नहीं करता कि आपको यहाँ पे टारगेट दे दिया स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है, अगर आप एक बात बताइए, उन्होंने तो आपको दे दिया, उनका काम खत्म, उनके वीडियोस पे व्यूज आ गए, अब उन्हें कोई मतलब नहीं। अब आप एक चीज कॉमन सेंस ही देखिए, अगर मार्केट में आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना स्टॉप लॉस 738 के अराउंड के लेवल पर यहाँ का ही रखेंगे, ठीक है, और आप अपना यहाँ पे बाइंग रखेंगे और टारगेट रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट अगर ओपन ही यहाँ पे हुआ फिर क्या करेंगे आप उस टाइम पे, क्या करना है ये चीज तो आपको उस ट्रेडर ने बताई नहीं ना। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए कोई टारगेट वार्केट देके नहीं चलता क्योंकि अगले दिन की प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, मार्केट किस तरीके से ओपन होगा मैं आपको इसलिए सिंपली एक चीज बता देता हूं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो या थोड़ा सा गैप ओपन हो ना, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करिए, उस रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है और उस हिसाब से आपको अपना 1:1.5 और 1:2 का टारगेट लगा के चलना है। दोस्तों मैं ये चीज आपको सिंपली बता के चलता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सेंचुरी टेक्सटाइल्स के लिए भी यही रणनीति है, आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखेंगे और अगर इसका ब्रेक मिलता है आपको तो एक अच्छा खासा इंट्राडे का टारगेट आप इसमें 1:1.5 को फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 1:2 का आप इजीली अचीव कर जाओगे। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है कॉनकर। कॉनकर आप दोस्तों देखेंगे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा आपको, तो एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल पैटर्न बना रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हुए बना रहा है ये। ठीक है, और कल हमें इसकी एक रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना है और जैसे ही हमें इसका ब्रेक मिलेगा तो हम इसमें इंट्राडे का तो बहुत अच्छा खासा टारगेट अचीव कर जाएंगे और जो अपना स्टॉप लॉस है दोस्तों 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर ये आपको इसका ब्रेक ऊपर की तरफ देता है बाई चांस, ठीक है, ये नीचे की तरफ भी दे सकता है, सिमेट्रिकल पैटर्न है, अगर ये ब्रेक देता ऊपर की तरफ तो आप यहाँ पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर इसके नीचे रिट्रेसमेंट जहाँ पे दे गए वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉनकर को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा क्योंकि इंट्राडे में तो ये आपको बहुत अच्छा खासा टारगेट देने वाला है। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप देखेंगे दोस्तों तो ये भी एक काइंड ऑफ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक रेंज में फंस चुका है। ठीक है, और ये भी एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल पैटर्न है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कल आपको मार्केट, ये तो बिल्कुल एक अपने जोन पे खत्म ही हो चुका है, अगर मार्केट कल इसका ब्रेक देता है ना तो आप अपना स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऐसे रिट्रेसमेंट के नीचे लगा के चलेंगे। ठीक है, और एक 1:2 का टारगेट फर्स्ट रखेंगे आप अपना और सेकंड टारगेट दोस्तों 1:2.5 का आप इजीली इसमें लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हिंद पेट्रोल को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा क्योंकि 1:2.5 का टारगेट तक तो आपको इजीली कल के दिन दे सकता है अगर एनर्जी सेक्टर्स पॉजिटिव रहे तो। अब आते हैं दोस्तों हमारे आखिरी स्टॉक पे जो कि है टाटा पावर। टाटा पावर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे तो एक काइंड ऑफ ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट देते हुए आ रहा है बहुत पीछे से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बहुत पीछे से ही रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है ट्रेंड लाइन। ठीक है, और ये अपने एक क्रूशियल जोन पे आके फंस चुका है, यहाँ पे पहले इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड हो रही थी और इसके ब्रेक के बाद आप देखेंगे रेसिस्टेंस भी फाइंड हुआ इसको। ठीक है, अब ये दोस्तों इस रेंज में ही कहीं ना कहीं फंस चुका है। दोस्तों इसमें हमें हाई प्रोबेबिलिटी तो यही है कि कल एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, बट दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करिए, हो सकता है कि इसमें आपको धीरे धीरे साइडवेज कंसोलिडेशन मिलने के बाद एक फिर ब्रेकआउट मिले। ठीक है, और इस ब्रेकआउट पे आप इसको ट्रेड लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपना 1:2 का टारगेट तो आप मिनिमम इसमें लेके चलेंगे इंट्राडे में,
ठीक है, और एक अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस भी अपना इसकी रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे आप रख के चल सकते हैं। और अगर आप दोस्तों थोड़े से रिस्की बायर्स हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आए एक अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो बिल्कुल तो वो तो ना के बराबर ही हो जाएगा, और जो टारगेट रहेगा दोस्तों आपका वो रिस्क टू रेशो बहुत अच्छा खासा मेंटेन हो जाएगा। आप 1:1.5 छोड़िए, 1:5 तक का टारगेट भी इसमें इजिली अचीव कर जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो टाटा पावर को भी दोस्तों अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे तो मैं आपको इंट्राडे के स्टॉक्स देता हूँ, बट अपने इंस्टाग्राम पे दोस्तों मैं आपको स्विंग ट्रेड देता हूँ। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, और टेलीग्राम लिंक भी मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप टेलीग्राम पे भी हमारे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको लाइव मार्केट की अपडेट्स देते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।